अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान के लेजेंड फनकार के मुतालिक होगी जिसने तकरीबन 5 दहाइयां फन की दुनिया में अपनी खिदमात सर अंजाम दी। शुमार पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर और वर्सटाइल अदाकारों में होता है। टीवी और फिल्म में अपनी फनकाराना सलाहियतों का भरपूर इजहार करके जिन फनकारों ने अवामी पजीराई हासिल की, इनमें एक बहुत बड़ा और अहम नाम वर्सटाइल अदाकार शफी मोहम्मद शाह का भी है। देखो, तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हारा काम तो जख्मों पर मरहम रखना है, तुम ही थक गए डॉक्टर। इनकी नकाबले फरामोश परफॉर्मेंस से सजे हुए टीवी ड्रामे और मुतअद्दद शाहकार फिल्में हमें इनकी याद दिलाती रहेंगी। पीटीवी के मोस्ट सीनियर और वर्सटाइल अदाकार शफी मोहम्मद की जाती जिंदगी, फनी सफर और फैमिली के मुतालिक आपको आगाह किया जाएगा। ये भी बताया जाएगा कि शफी मोहम्मद अपने कैरियर के अरूज पर ही कैसे इस दुनिया से रुखसत हो गए। शफी मोहम्मद शाह का ताल्लुक जिला नवाबशाह के इलाके कंडयारों के एक मोअज्ज़ज़ घराने से था, लेकिन वो कराची के इलाके राम स्वामी में 1949 में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने सिंध यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में एमए किया, जबकि वो लॉ ग्रेजुएट भी थे। शफी मोहम्मद शाह एक बुलंद पाया फनकार होने के साथ साथ अच्छे बाकिरदार, बावकार और हर दिल अजीज इंसान भी थे। शफी मोहम्मद शाह ने तकरीबन 35 साल रेडियो, स्टेज, टीवी और फिल्म के शोबों में उम्दा काम करके अपनी नुमाया पहचान बनाई। शफी मोहम्मद शाह को शुरू से ही फिल्में देखने और इनमें काम करने का बेहद शौक था और यही शौक इनको शोबिज़ की दुनिया में लाने का सबब बना। जबकि फिल्मों और टीवी में आने से कबल उन्होंने रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद स्टेशन और रेडियो पाकिस्तान कराची स्टेशन पर भी कुछ अरसा अदाकारी की। शफी मोहम्मद शाह अदाकार मोहम्मद अली मरहूम के जबरदस्त फैन थे। वो कई बार अदाकार मोहम्मद अली से मिले और अपने फिल्मों में काम करने के शौक का तज़किरा इनसे किया और यूं अदाकार मोहम्मद अली के तवस्सुत से वो फिल्म और टीवी की स्क्रीन पर नमूदार हुए। अदाकार मोहम्मद अली की वसातत से इन्हें अदाकार एम अकरम ने अपनी फिल्म कोरा कागज में एक वकील के मुख्तसर किरदार में कास्ट किया और शफी मोहम्मद शाह को अदाकार अनवर सोलंगी ने रेडियो में मुतारिफ करवाया और बाद में टीवी और फिल्म की दुनिया में दाखिल हुए। छोटे और बड़े पर्दे पर अपनी फनकाराना सलाहियतों के वो जोहर दिखाए कि लोग इनके गर्विता होते चले गए। इनकी जिंदगी में ऐसा वक्त भी आया जब शफी मोहम्मद ने शोहरत और कामयाबी की बुलंदियों को छू लिया, लेकिन इनमें गुरूर नाम की कोई चीज नहीं थी। वो इंतहाई कशादा दिल, इंसानियत नवाज, साफ गो और पुरवकार शख्सियत के हामिल एक नफीस इंसान थे। शफी मोहम्मद शाह ने 2 शादियां की। इनकी पहली शादी 1984 में हुई। उनकी पहली बीवी का नाम था बतूल और उनके बेटे का नाम था असगर अली। शफी मोहम्मद शाह ने अपने अरूज के दौर में मशहूर अदाकारा सकीना समो से दूसरी शादी की थी, लेकिन ये ज्यादा अरसा कायम ना रह सकी और इन दोनों में जल्द ही अलहदगी हो गई। शफी मोहम्मद शाह की पहली फिल्म कोरा कागज जो 1978 में रिलीज हुई, इस फिल्म के मरकजी किरदार मोहम्मद अली और जेबा ने अदा किए। इसी दौरान शफी मोहम्मद शाह को लाहौर टीवी सेंटर के ड्रामे उड़ता आसमान में कास्ट कर लिया गया, लेकिन शफी मोहम्मद शाह को असली शोहरत, कामयाबी और शनाख्त प्रोड्यूसर शहजाद खलीक के ड्रामा सीरियल तीसरा किनारा से मिली। इस ड्रामे सीरियल से शफी मोहम्मद को एक बहुत बड़ा और अहम जानदार किरदार करने को मिला, जिसे शफी मोहम्मद ने नहायत खुश असलूबी से अदा करके खुद को मनवाया। जबकि उन्होंने अशफाक अहमद मरहूम की मकबूल और कामयाब ड्रामा सीरियल एक हकीकत 100 अफसाने के भी मुतअद्दद ड्रामों में जानदार और मरकजी किरदारों में नहायत शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करके शायकी ने फन से भरपूर दाद हासिल की। उन्होंने टीवी पर 40 से ज्यादा ड्रामा सीरियल और 60 से ज्यादा ड्रामों में काम किया। कराची में इनका पहला ड्रामा सिंधी जुबान में था। इसके बाद उन्होंने सिंधी और उर्दू दोनों जुबानों के ड्रामों में काम किया और खूब किया। शफी मोहम्मद शाह के मशहूर और कामयाब ड्रामों में घरवंदे, तीसरा किनारा, नस्ल, बंद गुलाब, आंच, जंगल, चांद ग्रहण, अधूरी कहानी, काला दायरा, आवाजें, अफशां और नंगे पांव जैसे नकाबले फरामोश सीरियल शामिल हैं। हमारी नजर में ड्रामा सीरियल आंच शफी मोहम्मद का बेहतरीन ड्रामा सीरियल है। ये 90 की दहाई का बेहतरीन टीवी सीरियल है जिसको बहुत पजीराई मिली। तारक जमील ने इस ड्रामे को डायरेक्ट किया था, जबकि नाहिद सुल्ताना अख्तर इसकी राइटर थी। ये ड्रामा सीरियल 13 एपिसोड का था, जिनमें मेन किरदार शफी मोहम्मद शाह और शगुफ्ता एजाज थी। पीटीवी का सुनहरा दौर, जब टीवी ड्रामों के जरिए मुआशरती मसाइल की निशानदेही और उनका हल तलाश किया जाता था और इस ड्रामे ने वाकई ही में लोगों की जिंदगी बदल दी। शगुफ्ता एजाज ने एक इंटरव्यू में कहा कि जितनी कामयाबी और शोहरत इस ड्रामे की बदौलत हमें मिली, मैंने तभी फैसला कर लिया था कि मैं सारी जिंदगी ड्रामा इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता रहूंगी। इस ड्रामे की स्टोरी सोतेली माँ और सोतेले बच्चों के मुतालिक थी। शगुफ्ता एजाज शफी मोहम्मद की दूसरी बीवी थी और शफी मोहम्मद के बच्चे अपनी सोतेली माँ को कबूल करने को राजी नहीं थे।
मगर शफी मोहम्मद और शगुफ्ता एजाज ने अपनी अदाकारी से इस ड्रामे में जान डाल दी और एट द एंड शगुफ्ता एजाज बच्चों का दिल जीतने में कामयाब हो जाती है। ये ड्रामा सीरियल नाहिद सुल्ताना अख्तर का नावल जिसका नाम था बहते दरिया पर मकान से लिया गया था। इस ड्रामे को आज भी लाखों लोग यूट्यूब पर देख चुके हैं। शफी मोहम्मद शाह बहुत साफ़ और खरे इंसान थे, जबकि इनकी पर्सनैलिटी में एक खास किस्म का रौब और दबदबा था। यही वजह थी कि जब किसी भी ड्रामे में किसी वडेरे ब्यूरोक्रेट सियासतदान और सरकारी ऑफिसर का कोई किरदार करना होता तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पहला इंतखाब शफी मोहम्मद शाह ही होते थे। और यह हकीकत है कि इस तरह के किरदार शफी मोहम्मद शाह की भारी भरकम शख्सियत पर खूब जचते थे। इसी तरह एक और किरदार उन्होंने एक इंफरादी ड्रामे योर ओबीडेंट सर्वेंट में इस महारत से अदा किया था कि आज भी लोग शफी मोहम्मद शाह को इसी ड्रामे के हवाले से याद करते हैं। वो अपने वक्त के बेहतरीन प्रोफेशनल अदाकार थे और डायलॉग डिलीवरी में अपना कोई सानी नहीं रखते थे। शफी मोहम्मद शाह के आखिरी ड्रामों में ड्रामा सीरियल खेलन को मांगे चांद, जहन्नम और मेरी अधूरी मोहब्बत शामिल है। इनके इंफरादी ड्रामों और ड्रामा सीरियल देखने से इनकी फनी महारत और अजमत का पता चलता है। उन्होंने फन की दुनिया में जितना भी काम किया वो इंतहाई मुनफरद और मयारी था। वो अपने स्टाइल के वाहद अदाकार थे जिनकी जगह आज तक कोई दूसरा फनकार नहीं ले सका। शफी मोहम्मद शाह टीवी ड्रामों में काम करने के साथ साथ अपने दरीना शौक की तकमील के लिए फिल्मों में भी काम करते थे। उन्होंने कुल 14 फिल्मों में काम किया, जिनमें इनकी कामयाब तरीन फिल्म का नाम है बीवी हो तो ऐसी, जिसने शानदार डायमंड जुबली मनाई। शफी मोहम्मद को फिल्मों में काम करने का शौक जुनून की हद तक था। यही वजह थी कि जिन दिनों में टीवी में इनका मशहूर ड्रामा सीरियल अफशां टेलीकास्ट हो रहा था, इन्हें एक फिल्म दूसरा किनारा में काम करने की पेशकश हुई जो उन्होंने फौरी कबूल कर ली और ड्रामा सीरियल अफशां में अपना काम अधूरा छोड़कर दूसरा किनारा की शूटिंग के लिए दुबई चले गए। और इस फिल्म के हदायतकार टीवी के सीनियर प्रोड्यूसर गजनफर अली थे, जबकि इस फिल्म की हीरोइन भारतीय अदाकारा दीप्ति नोल थी। इस फिल्म में काम करने की पदाश में पीटीवी ने शफी मोहम्मद पर पाबंदी भी आयद कर दी, जो बाद में कुछ ही अरसे के बाद खत्म कर दी गई और शफी मोहम्मद ने पीटीवी के ड्रामों में दोबारा काम करना शुरू कर दिया। शफी मोहम्मद ने मुतअद्दद फिल्मों में काम किया जिनमें कोरा कागज, दूसरा किनारा, बीवी हो तो ऐसी, ऐसा भी होता है, नसीबों वाली, रूबी, तलाश, मेरा इंसाफ, इल्जाम, सबके बाप, मिस्टर केटू, मुस्कुराहटें, सलाखें और जानलेवा शामिल हैं। इनमें से फिल्म बीवी हो तो ऐसी और फिल्म ऐसा भी होता है शफी मोहम्मद ने बतौर हीरो काम किया और पसंद भी किए गए, जबकि बकिया फिल्मों में वो अहम किरदारों में जलवागर हुए। शफी मोहम्मद शाह ने बतौर फनकार टीवी और फिल्म में जिस आला मयार की किरदार निगारी का मुजाहरा किया, इसके इतराफ़ में इन्हें 3 बार पीटीवी नेशनल अवार्ड और मुल्क का सबसे बड़ा सरकारी एजाज प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया। इसके अलावा इनको हुकूमत पाकिस्तान की जानब से तमगा इम्तियाज बाद अज़ मर्ग से भी नवाजा गया। शफी मोहम्मद एक अच्छे इंसान और बड़े फनकार होने के अलावा एक अच्छे सियासतदान भी थे। उन्होंने 2002 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा लेकिन कामयाब ना हो सके, जबकि वो आइंदा होने वाले आम इंतखाबात में भी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला कर चुके थे, लेकिन वक्त ने उनको मोहलत नहीं दी। वो 17 नवंबर 2007 को अचानक इस दारा फानी से कूच कर गए और यूं फन की दुनिया एक अजीम फनकार और अच्छे इंसान से हमेशा के लिए महरूम हो गई। शफी मोहम्मद शाह अपने इंतकाल से कबल ब्लड प्रेशर, शुगर और जिगर की बीमारियों में मुबतला हो चुके थे, लेकिन इन्हें अपने फन से इतनी ज्यादा मोहब्बत थी कि इन्होंने बीमारी के बावजूद अपना काम जारी रखा। अदाकारी के अलावा शफी मोहम्मद का क्लियर फॉरवर्डिंग का कारोबार भी था जो बहुत अच्छा चल रहा था, और फनकाराना सरगर्मियों में मसरूफ होने के बावजूद वो अपने इस अदारे को भी मुनासिब वक्त दिया करते थे। वो एक काबिल और मेहनती इंसान थे जिन्होंने अपनी सलाहियत और मुसलसल मेहनत की वजह से अपना नाम और मुकाम बनाया। उन्होंने शोबिस की फील्ड में भी अपने खानदानी पसे मंजर और आला तरीम याफ्ता होने को हमेशा मलहूज़े खाता रखा। सोगवारान में बेवा, एक बेटा और 4 बेटियां छोड़ी, जबकि एक बच्ची को शफी मोहम्मद शाह ने गोद भी लिया था। आपकी नमाज जनाजा इमाम बारगाह यसरब डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची में अदा की गई और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के कब्रिस्तान में सुपुर्दखा कर दिया गया। शफी मोहम्मद साहब को चाहने वाले हर साल आपकी बरसी मनाते हैं और उनकी फनी खिदमात के एजाज में तकरीब मुनक़द करते हैं। अल्लाह ताला शफी मोहम्मद शाह साहब की मगफरत फरमाते हुए उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। इस लेजेंड फनकार के मुतालिक अपने कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको फौरी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।